आज के समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने की मुकाबला काफी तेज से हो रही है, जिसमें कई देश दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बिल्डिंग बनाना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, चाइना जुन बीजिंग। यह इमारत दुनिया के 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 10वीं सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 527.7 मीटर है। इस बिल्डिंग का कार्य 19 सितंबर 2011 को शुरू किया गया था, जिसे साल 2018 में बनाकर तैयार किया गया। इस बिल्डिंग में 109 मंजिलें हैं, जिसमें से 8 मंजिलें ग्राउंड से नीचे हैं। इस इमारत का फ्लोर एरिया 4,27,000 वर्ग मीटर है। यह बिल्डिंग में 60 मंजिल, लग्जरी अपार्टमेंट के 20 मंजिल और होटल के 20 मंजिल शामिल है। नंबर 9, टियानजिन सीटीएफ वित्त केंद्र टियानजिन। यह दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 9वीं सबसे ऊंची इमारतों है, जिसकी ऊंचाई 530 मीटर है। इसके टॉप फ्लोर 439 मीटर और टिप 530 मीटर है। इस इमारत में 97 फ्लोर हैं और 4 फ्लोर जमीन के नीचे स्थित है, और इस इमारत में 266 अपार्टमेंट और 365 होटल रूम्स हैं। इस इमारत के निर्माण कार्य को 20 नवंबर 2009 में शुरू किया गया था और 2019 में इसे पूरा कर दिया गया था। नंबर 8, ग्वांगजो सीटीएफ वित्त केंद्र ग्वांगजो। इस ऊंची इमारत का निर्माण साल 2010 में किया गया था। इस इमारत को ईस्ट टॉवर भी कहा जाता है। यह 530 मीटर ऊंची इमारत है। इसका कार्य अक्टूबर 2016 में पूरा किया गया था। इस इमारत में 111 मंजिलों का आवास कार्यालय है और ग्राउंड फ्लोर के नीचे 5 मंजिलें हैं। नंबर 7, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क सिटी। इस इमारत में कुल 94 मंजिल हैं और 5 फ्लोर भूमि से नीचे स्थित हैं। फ्लोर एरिया 3,501.274 वर्ग फीट है। दुनिया की यह 7वें नंबर की इमारत न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में स्थित है। इस इमारत को हिल इंटरनेशनल द लुइस बर्जर ग्रुप ने डिजाइन किया है। नंबर 6, लोटे वर्ल्ड टावर दक्षिण कोरिया। इस इमारत यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से 6वीं सबसे लंबी इमारत है। यह इमारत 554.5 मीटर ऊंची है। इस इमारत के निर्माण कार्य को नवंबर 2010 में शुरू किया गया था। इस इमारत में कुल 123 मंजिलें हैं और 6 मंजिलें जमीन के नीचे स्थित है। नंबर 5, पिंगेन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर चीन। यह दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 5वें नंबर पर आती है। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी इमारत और दुनिया की 5 नंबर की इमारत है। इस इमारत की ऊंचाई 599.1 मीटर है। कुल 115 मंजिल वाले इस इमारत में 5 अंडरग्राउंड फ्लोर है। नंबर 4, अबरा जलबायत सऊदी अरब। यह दुनिया की सबसे की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 4थे नंबर की इमारत है। 120 मंजिल की यह इमारत 601 मीटर ऊंची है। इस बिल्डिंग का कार्य 2004 में शुरू किया गया था, जो वर्ष 2012 में पूरा बनकर तैयार हुआ और इसे इसी वर्ष खोल दिया गया था। इस इमारत की कुल लागत 15 बिलियन यूएस डॉलर थी। इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर 494 मीटर यानी 1621 फीट है। नंबर 3, शंघाई टॉवर चीन। इस इमारत को पहले शंघाई सेंटर के नाम से जाना जाता था। 21 नवंबर 2008 में शुरू किया गया था। 632 मीटर की ऊंचाई वाली इस इमारत का टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। यह इमारत चीन में स्थित है। यह इमारत वर्ष 2015 के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी प्लेटिनम प्रमाणित इमारत है। इस इमारत में 128 मंजिलें हैं, जिसमें से 3 मंजिलें ग्राउंड के नीचे हैं, और इस बिल्डिंग में 270 पवन टर्बाइन है। इस इमारत के निर्माण का कार्य 2008 में शुरू किया गया था, जो कि साल 2014 में पूरा हो चुका था। नंबर 2, मर्डेका 118 मलेशिया। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों की सूची में मर्डेका 118 का स्थान दूसरा है। यह इमारत मलेशिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 678.9 मीटर है। इस बिल्डिंग में 118 मंजिलें हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर में 5 फ्लोर स्थित हैं। साल 2021 में इस इमारत का शिखर का कार्य पूरा किया गया। नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुबई। जनवरी 2010 में निर्मित हुई यह इमारत दुनिया की अब तक की सबसे लंबी इमारत है। इस इमारत की ऊंचाई 829.8 मीटर है। बुर्ज खलीफा इमारत मिश्रित उपयोग वाला गगनचुंबी इमारतों में से एक है। इस इमारत में कुल 163 मंजिलें हैं। पहले इस इमारत का नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, किंतु बाद में इसे बुर्ज खलीफा नाम दिया गया। इस इमारत को तैयार करने में 1.5 यूएस डॉलर का खर्च किया गया था। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों की जानकारी। उम्मीद है कि आपने इन अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कारों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। इनमें से कौन सी इमारत आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।